क्या है पीएम मोदी के कैबिनेट विस्तार के वो तीन बड़े फैक्टर्स जिन पर अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की। पीएम मोदी ने हर वर्ग से किसी खास को चुन कैबिनेट की काया पलट कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट विस्तार और बदलाव में देश के विकास का तो ध्यान रखा ही है, लेकिन बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक दाव भी चला है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी पीएम मोदी के कैबिनेट विस्तार के वो तीन बड़े फैक्टर्स जिनको लेकर पीएम मोदी ने सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की है। 43 मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में देश ने एक बार फिर पीएम मोदी की राजनीतिक कुशलता और परिपक्वता को देखा है, जिसमें चुनावी रणनीति से लेकर जातिगत सोशल इंजीनियरिंग सहित कार्य क्षमता के आधार पर पेशेवर लोगों को अपनी कैबिनेट में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, पीएम ने नए नवेले लेकिन कुशल नेताओं को मंत्री पद देकर ये भी दिखाया कि वो देश हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचते हैं। दूसरी पार्टियों के क्षमतावान नेताओं को आकर्षित करने के लिए हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को भी कैबिनेट में अहम पद दिए गए हैं। कोरोना काल के कारण थोड़ी देर से ही सही, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट का कायाकल्प कर दिया है। राजनीतिक रसूख होने के बावजूद उन मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है जिनका परफॉर्मेंस निम्न स्तर का था। वहीं नई कैबिनेट में नए पुराने 43 मंत्रियों ने पुनः शपथ ली है। खास बात यह है कि पीएम ने इसमें पार्टी के लिहाज से राजनीतिक क्षमता के अनुसार पेशेवर और अनुभव के आधार पर दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को भी कैबिनेट में शामिल किया है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। राजनीतिक लिहाज से बात करें तो पीएम मोदी की कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से आने वाले करीब 8 सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग सभी जातियों के प्रतिनिधि हैं। शपथ लेने वाले 43 मंत्रियों में से 27 OBC समुदाय से आते हैं, जो कि बीजेपी की राजनीति में काफी महत्व रखते हैं। इसके अलावा SC ST सवर्ण सभी को नए कैबिनेट विस्तार में विशेष स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए चुनावी तौर पर सबसे महत्वपूर्ण है। पार्टी को पता है कि राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत पकड़ रखने के लिए उत्तर प्रदेश के किले को अभेद्य करना आवश्यक है। पीएम मोदी के फैसलों में भी इसकी झलक दिखी है। पीएम मोदी ने चुनावी राज्यों का ध्यान रखा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीति को साधने के लिए दोनों राज्यों से चुनाव न होने के बावजूद 4-4 मंत्रियों को शामिल किया गया है, क्योंकि बीजेपी दोनों ही राज्यों में अपने विस्तार के लिए युद्ध स्तर पर कार्यरत है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए लोगों को भी पीएम मोदी ने विशेष सम्मान दिया है। पीएम मोदी की इस रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र के पूर्व CM और शिवसेना से बीजेपी में आए नारायण राणे और कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। दोनों ही बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो वहां गठबंधन में टकराव है। ऐसे में बीजेपी ने कोंकण क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले नारायण राणे को कैबिनेट में जगह देकर पार्टी की स्थिति मजबूत करने की प्लानिंग की है। नारायण राणे पहले शिवसेना में थे और फिर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साधने पर वो बीजेपी में आ गए। वर्तमान स्थिति की बात करें तो उन्हें मंत्री पद देना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के कोटे से मंत्री बनाए गए 4 सांसदों में 3 दूसरी पार्टियों से आए हैं, जो कि अन्य पार्टी के नेताओं के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हो सकता है। बागियों के लिए सम्मान के लिहाज से सबसे बेहतरीन उदाहरण असम में कांग्रेस से बीजेपी में आए हेमंत बिस्व शर्मा है, जिन्हें 5 साल के कार्यकाल के बाद ही मुख्यमंत्री तक बना दिया गया। इसी तरह कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी पीएम मोदी की कैबिनेट में अहम है। सिंधिया को मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने के लिए तोहफे के तौर पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। पीएम मोदी ने इस कदम से मध्य प्रदेश के गुना, ग्वालियर, चंबल और इंदौर में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी पार्टियों में शामिल अच्छे नेताओं के लिए एक सकारात्मक संकेत भी दिया है कि अगर उनकी छवि अच्छी है तो उन्हें काम के आधार पर महत्वपूर्ण पदों से सम्मानित भी किया जाएगा। बागी नेताओं को मंत्री पद देना केवल महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, अन्य राज्यों में भी ये ट्रेंड दिखा है। उत्तर प्रदेश के आगरा से सांसद हो या बंगाल से आने वाले निशित प्रमाणिक और शांतनु ठाकुर, सभी का भाजपा में राजनीतिक सफर काफी छोटा रहा है, लेकिन उनकी राजनीति और कामकाज के आधार पर उन्हें मंत्री पद दिया गया है। इसके अलावा राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर भी पीएम ने कर्नाटक से 4 नए चेहरों को अपने कैबिनेट में शामिल किया है। मोदी कैबिनेट में उड़ीसा से आने वाले 4 मंत्रियों को भी खासा महत्व दिया गया है, जिनमें रेल और IT मंत्रालय पाने वाले अश्विनी वैष्णव का नाम मुख्य है। उड़ीसा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का रुख
हमेशा ही एनडीए के प्रति सकारात्मक रहता है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि नवीन पटनायक की भूमिका एनडीए में भी हो। इसीलिए पीएम मोदी ने अश्विनी वैष्णव को अहम पद दिया है, जो भले ही बीजेपी से आते हैं लेकिन नवीन पटनायक के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी की प्लानिंग है कि एनडीए और नवीन पटनायक के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए अश्विनी वैष्णव एक पुल का काम करें। वहीं राजनीतिक पहलुओं और बागियों को आकर्षित करने से इतर पीएम मोदी का फोकस काम करने की क्षमता और अनुभव पर भी रहा है, जिसके चलते पीएम ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। किसी भी राज्य का सीएम सीधे तौर पर मुखिया होता है, उनकी भूमिका ठीक वैसी ही होती है जैसे देश में प्रधानमंत्री की होती है, और उन्हें अधिकारियों के साथ काम करने का विशेष अनुभव होता है। ऐसे में कैबिनेट में शामिल होने पर नारायण राणे और सर्वानंद सोनोवाल जैसे पूर्व सीएम अलग अलग राज्यों के साथ सटीक समन्वय बिठाकर काम करने में सक्षम होंगे, जिसमें उनका पुराना अनुभव भी काम आने वाला है। इसी तरह पीएम ने अपनी कैबिनेट में जातिगत रणनीति, अलग अलग क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स और पूर्व अधिकारियों को भी अपनी कैबिनेट में शामिल किया है, जिन्हें अपने क्षेत्र में काम का विशेष अनुभव है। चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान, पूर्व नौकरशाह, पीएम मोदी की कैबिनेट में वो सभी नगीने हैं जो कि देश के उत्थान और बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर सकारात्मक होंगे।